मई 1822 को उनका जन्म फ्रांस के एक प्रमुख कैथोलिक सैनिक परिवार में हुआ था। उनका परिवार फ्रांस के शाही परिवार के राजतंत्र का समर्थक था और वह बचपन से ही सैनिक अधिकारियों और राजनीतिज्ञों से घिरे रहते थे। हालांकि जब उन्होंने कहानियों में फ्रांसीसी विजय अल्जीरिया पे पढ़ा तो उस युद्ध की भयावहता और अन्य युद्धों की भयावहता ने उन्हें इस विचार के लिए प्रेरित किया कि जो भी युद्ध होते हैं वो बेसिकली मानवता पर युद्ध होते हैं। बाद में वो अंतर्राष्ट्रीय शांति आंदोलन के डीन बने। एज पॉलिटिशियन एंड इकोनॉमिस्ट उन्होंने ये जोड़ दिया कि इंडिपेंडेंट कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड होना चाहिए बिकॉज इससे पीस को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने पहली फ्रांसीसी पीस सोसाइटी की स्थापना की जिसने 1878 में विश्व प्रदर्शनी के दौरान पेरिस में एक सम्मेलन का आयोजन किया। फ्रांसीसी चेंबर ऑफ डिप्टीज में एक स्वतंत्र वामपंथी रिपब्लिकन के रूप में उन्होंने फ्रांस की कॉलोनियल नीतियों का विरोध किया बिकॉज ये फ्री ट्रेड के आदर्शों के अनुरूप नहीं था। मैं हूं ऋषि कुमार और ए टू जेड साइंस के पीस नोबेल प्राइज के इस वीडियो में 1901 में दिए गए नोबेल पीस प्राइज के बारे में जानेंगे। इस वर्ष दो लोगों को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था जिसमें से एक फ्रेडरिक पेशी थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। यह फ्रेडरिक पेशी थे जो अंतर संसदीय संघ के स्थापना में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। अंतर संसदीय संघ अलग अलग देशों के चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच में सहयोग स्थापित करने के लिए एक संगठन है। अपनी उम्र के बावजूद 1901 के बाद भी पेशी शांति के लिए अपने कामों को जारी रखा। 1905 में नॉर्वे और स्वीडन के बीच में संघ पर संघर्ष चरम पर था। इस दौरान पेशी ने ये अनाउंस किया था कि अगर एक शांति समाधान हो जाता है दोनों देशों के बीच में तो उन्हें नोबेल प्राइज से 100 गुना ज़्यादा खुशी होगी और उन्होंने अपनी इच्छा पूरी की, मतलब शांति समझौता स्वीडन और नॉर्वे के बीच में हो गया। 1847 में फ्रेडरिक पेशी ने मैरी ब्लेच सेग्रेट से शादी की और उनके दो बेटे और दो बेटियां थी। 90 वर्ष की उम्र में उनकी तबीयत बिगड़ गई और जिंदगी के अंतिम कई महीनों तक वो बिस्तर पर ही पड़े रहे। 12 जून 1910 की उनकी मृत्यु पेरिस में हो गई।